हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो इस समय बज रहा है मॉर्निंग का 5 और मैं हूं आपके साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोगों ने बच्चों पिछले वीडियोस में ये देखा था कि एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि यू दिया हो तो उसका वी मतलब कंजुगेट फंक्शन कैसे निकालते हैं। ये सब बातें बेटा मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं बेटा तो स्टार्टिंग से जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट पे जाइए बेटा और स्टार्टिंग से बच्चों को सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल यानी कि टफ नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग थोड़ा कंजुगेट फंक्शंस के एक दो क्वेश्चंस पे और हाथ साफ करते हैं जिससे कि हमको और अच्छे से आइडिया लग जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था आपको क्या होता है। देखो जो हमारा फंक्शन होता है एफ जेड क्या होता है, एफ जेड होता है यू प्लस आई वी, है ना। तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान लीजिए यू आपको गिवन है तो फिर आप वी कैसे निकालेंगे, है ना। इसी को कहते हैं डिटरमिनेशन ऑफ कंजुगेट फंक्शन। जो हम लोगों ने इसका प्रोसेस पिछले वीडियो में देखा था तो उसी प्रोसेस को यूज करके हम लोग आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिसमें यू दिया जाएगा और वी निकालेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन करने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, इसमें एग्जैक्ट का यूज होता है। मैंने बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे करते हैं, ये सब बेटा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्ले लिस्ट पर जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्ले लिस्ट है, उस पर जाकर के सारे वीडियोज आप देखिए। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग आज एक और अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों ये है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन देखो बच्चों कुछ इस तरीके से यहां पर है कि मान लीजिए हमें यू दिया गया है 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देन शो दैट यू इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, एंड फाइंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, इसका बच्चों हमको हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है और ये शो करना है कि ये एक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। मैंने बताया था कोई भी फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हमेशा बच्चों हार्मोनिक फंक्शन होता है। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, del 2 phi by del x square, मतलब हमें देखो हार्मोनिक फंक्शन शो करने के लिए ये प्रूव करना होगा del 2 u by del x square प्लस del 2 u y del y square बराबर 0। कोई भी फंक्शन जो हार्मोनिक इसको कहते हैं लाप्लास इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई बेटा हमें करवाना होगा। तो देखो बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जैसे कि हमें u दिया गया है सबसे पहले, तो u क्या हो गया बोलो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक तरीके से हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करवा के उसने कहीं ना कहीं एनालिटिक फंक्शन की बात कर दी है ना। क्योंकि एनालिटिक फंक्शन जो होते हैं वो उनके यू और वी हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसने एनालिटिक फंक्शन ना दे करके हार्मोनिक फंक्शन कह करके ये बात कहीं ना कहीं वो बीच में ले आए हैं कि भाई ये फंक्शन एनालिटिक है। मतलब जो एफ जेड होगा वो कैसा होगा बोलो, एनालिटिक फंक्शन होगा। तभी यू और वी, U क्या है हार्मोनिक फंक्शन और V क्या उसका हार्मोनिक कंजुगेट, बात बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, देखो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डेल U बाय डेल X करेंगे, V रिस्पेक्ट टू X करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा बड़ा आसान है, 1/2 तो बाहर रहेगा, log का क्या होगा 1/x² + y² और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा, इसका 0 हो जाएगा, तो क्या होगा x/x² + y². ठीक है, अब इसी को एक बार फिर से करना होगा बेटा x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसी को अगर हम x के रेस्पेक्ट में करना चाहेंगे तो देखो बेटा ऊपर भी x है नीचे भी x है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमेटर वाला, y को कांस्टेंट मानना है भाई, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या हो गया y इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखो ये 2x² है, ये x² है, तो क्या बचेगा ऊपर,
बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम ये निकालेंगे। देखो अब हम निकालेंगे क्या बच्चों, डेल यू वाई डेल वाई निकालेंगे। तो क्या होगा देखो, वन बाई टू तो पहले से ही बाहर, ठीक है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, तो वन बाई एक्स करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फिर से करेंगे, एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा टू वाई हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हुआ, तो क्या बचा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी को फिर से हम वाई के रिस्पेक्ट में बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो टू वाई अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा देखो बच्चों, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बोलो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो इन दोनों को आपस में सम करेंगे तो एलसीएम तो यही हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप जीरो हो जाएगी बस। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक हार्मोनिक फंक्शन हो गया। बोलो बात समझ में। और ये तो पहले भी कितनी बार हम लोग कर चुके हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। अब ऐसा क्वेश्चन तो आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े, अब हमें v फाइंड करना है। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब क्या हो बच्चों, v फाइंड करना है। तो देखो उसके लिए मैंने प्रोसेस बताया था, क्या प्रोसेस था आपको मालूम होगा, करते हैं देखो एक बार फिर से वही प्रोसेस। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, पहले गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, देखो बोरे बच्चों का खेल। देखो बच्चों ध्यान दो, अब हम v कैसे निकालते हैं आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोग ये रिलेशन लिखते हैं, क्या होता बच्चों, dv इक्वल टू डेल वी वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी वाई डेल वाई इंटू डी वाई। अब यहां पर बच्चों चूंकि हमें डेल वी वाई डेल एक्स मालूम तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस काची रामन इक्वेशन की हेल्प से। क्या होता बच्चों, हमको मालूम है बोलो क्या, कि डेल यू बाई डेल एक्स बराबर क्या होता है, डेल वी बाई डेल वाई होता है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है आपको मालूम है, डेल यू बाई डेल वाई बराबर क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होता है ना। काची रामन इक्वेशन हर जगह यूज होती है बेटा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस, क्योंकि देखो इनके लिए फंक्शन को एनालिटिक होना चाहिए और हार्मोनिक फंक्शन की बात करके कहीं ना कहीं इसने कह दिया कि फंक्शन कैसा है, बोलो हमारा एनालिटिक फंक्शन है। देखो डेल वी बाई डेल वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल यू बाई डेल एक्स अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, बोलो क्या निकाला था, वन बाई टू और वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो गया बोलो टू एक्स हो गया, टू से टू कैंसिल तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी, डेल वी बाई डेल वाई की। अच्छा यहां से देखो क्या होगा, डेल वी बाई डेल एक्स निकल आएगा और माइनस डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, तो डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेम प्रोसेस से वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहां से क्या हो गया, डी वी बराबर डेल वी बाई डेल एक्स, तो देखो ये वैल्यू इसकी हो गई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू देखो ये हो गई है ना, क्योंकि डेल वी बाई डेल एक्स ये है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया जाएगा, तो क्या हुआ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने बताया था बार बार ये प्रूव नहीं करेंगे कि ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्टली मैंने क्या बताया था, डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एम बाई डेल एक्स करना पड़ता है,
लेकिन बार बार उस प्रोसेस को ना करके हम इसको डायरेक्ट ही इंटीग्रेट कर दिया करेंगे उसी प्रोसेस से। हाँ, अगर ये कहता है कि प्रूव करिए कि एग्जैक्ट है तो प्रूव करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है हर बार। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, अब इसको हम m लेंगे और इसको n लेंगे, है ना, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना, देखो वही ये m हो गया, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो v मिल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही अपना प्रोसेस, देखो ये m है, ठीक है, और ये अपना n है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की, है ना, ये उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये अपना एन है, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, ये अपना एम हो जाता है, ये अपना हमेशा एन हो जाता है। तो क्या करना होता है, एम को इंटीग्रेट करना होता है बच्चों रिस्पेक्ट टू वन। देखो क्या करते हैं, इसमें मिटाते हैं, इसको लिखो जल्दी से जरा, पहले देखो बोरे बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है वो सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है। देखो चो ध्यान दो, इंटीग्रल एम डी एक्स करेंगे और वाई को कॉन्स्टेंट मानेंगे, एम एम का मतलब देखो ये हो गया, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, देखो बच्चों एक्चुअली वाई यहां पर कॉन्स्टेंट है, तो जैसे कि माइनस वाई तो आप बाहर ले लीजिए, तो क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट है। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो क्या होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, बोलो याद है कि नहीं, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों। तो क्या बच्चों को यहां पर होगा, माइनस वाई बाहर, तो वन बाई ए, ए का मतलब वाई, और क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स वाई वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स वाई वाई हो जाएगा इंटीग्रल एम डी एक्स, है ना, इंटीग्रल एम डी एक्स। बच्चों देखो यहां से ये वैल्यू निकल आएगी। फिर एन में क्या होता है, इंटीग्रल एन में लेते हैं टर्म विदाउट एक्स, इंटीग्रल एन डी वाई को करते हैं टर्म्स, ठीक है, विदाउट एक्स, बोलो पहले को करते हैं एम डी एक्स, उसमें y को अपना कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, दूसरे में क्या करते हैं बोलो, n dy करते हैं और उसमें लेते हैं टर्म विदाउट x, मतलब n को रिस्पेक्ट टू y करेंगे, लेकिन n के वही टर्म लेंगे जिनमें x नहीं आ रहा। तो n तो बेटा ये है, अब इसमें देखो x तो आ ही रहा है, ऐसा कोई फ्री टर्म नहीं, जैसे कि मान लो n अगर ऐसा होता x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर होता, तो इसको नहीं लेते, इन दोनों को लेके इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहां पर आप x को कैसे हटा सकते हैं, x तो इन्वॉल्व है ना सबके साथ में, ये तो है नहीं कि इसको छोड़ दे केवल वन अपॉन वाई स्क्वायर ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से अगर सेपरेट हो जाएंगे टर्म्स, है ना, अगर टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, एक में x आएगा एक में x नहीं आएगा, तो वो ले लेंगे जिसमें x नहीं आ रहा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे रिस्पेक्ट टू y। लेकिन यहां तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते ना कि y को बिल्कुल सेपरेट कर लें, मतलब प्लस में अलग अलग या माइनस में वो सेपरेट होता तो आप ऐसा कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप किसी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x तो आ ही रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो हमें रिजल्ट मिला बच्चों इंटीग्रेशन का, देखो इधर से तो हमको वी मिला था, और इधर से देखो इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिला माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स वाई वाई, चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट तो सी आएगा ही आएगा, चूंकि हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट यहां पर सी हमेशा आएगा ही आएगा, है ना। तो देखो इसमें हमने वी की वैल्यू निकाल ली, माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस सी। अच्छा अब देखो जरा ध्यान दो बच्चों, जैसे ये आंसर सही है,
लेकिन खास तौर पे कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये लोग उसको मोर देन वन बनाते हैं। तो मोर देन वन बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, कई बार देखो इस आंसर को चेंज कर देते हैं। देखो कैसे, ये वी निकाला, अब ये लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बेसिक का यूज करके इसको बदल देते हैं। बेसिक का मतलब वही अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थोड़े थोड़े बेसिक होते हैं। जैसे कि देखो क्या होता है, समझो यहाँ पर ध्यान से, कि जैसे टेन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, आपको याद होगा। वही टेन इनवर्स एक्स को बेटा हम लिख सकते हैं क्या, बोलो, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बोलो बस समझे। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई वाई प्लस सी माइनस पाई बाई टू, तो प्लस सी माइनस पाई बाई टू को नया कॉन्स्टेंट मान ले, और फॉर एग्जाम्पल सी वन लिख दें इसको, बोलो बच्चों, ठीक है ना। ये प्लस हो गया और ये सी माइनस पाई बाई टू को नया कॉन्स्टेंट मान करके उसे हम प्लस सी वन लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो ये हमने क्या किया, टेन वर्स की वैल्यू पुट की पाई बाई टू माइनस कॉट, क्योंकि टेन वर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है, पाई बाई टू, आपको याद होगा। जैसे साइन वर्स प्लस कॉस इनवर्स भी पाई बाई टू होता है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी पाई बाई टू होता है, ठीक है ना। सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स भी पाई बाई टू होता है, ठीक है, उसका हमने यूज किया यहाँ पर। अच्छा अब देखो हम इसका फिर से यूज करें कि कॉट इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स वन बाई एक्स, लेकिन अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो यहां पर एक्स वाई को पॉजिटिव मानते हुए हम इसको फिर से रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा सी वन, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जनरली बुक में ऐसा लिखा होता है, लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हैं जब ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। अगर एक्स निगेटिव होगा तो यहाँ पाई प्लस आ जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें सीखनी है तो 12th क्लास में मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा लेक्चर है, फंक्शंस भी है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, उस पर जाकर के इन सब चीज़ों को आप सीख सकते हैं। बहुत डिटेल से मैंने मेरी पूरी प्लेलिस्ट है 12th का, और 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा है, 11th के एक दो टॉपिक छूटे हुए हैं, अदरवाइज 12th का तो सिलेबस मेरा बिल्कुल बेटा कंप्लीट है, IIT लेवल से कंप्लीट है। और अभी मैं और भी 12th में अपलोड कर रहा हूँ, एक मैंने नया चैनल बना लिया है 12th के वीडियो अपलोड करने के लिए, उस पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, जैसे अपलोडिंग हो जाएगी आपको बता दूंगा कि आप उसको भी कर सकते हैं और वहाँ से भी और डिटेल से पढ़ सकते हैं 11th 12th, क्योंकि इस पर मैं लगातार BSc MSc अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पर कि इसमें भी है 12th पूरा, इसमें भी है कम्प्लीट 12th, इसमें है IIT लेवल से, 11th के एक दो टॉपिक नहीं है बस, 11th के भी शायद हैं, काफ़ी हद तक हैं, एक दो शायद नहीं है, जैसे एलिप्स नहीं है, हाइपरबोला नहीं है, बाकी सर्कल है, पैराबोला है, हाँ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है 11th का, बस अपलोड करूँगा, परेशान मत होइए। अभी खैर इस पर कॉन्सेंट्रेट करें हम लोग, तो ये बेसिक हमें आने चाहिए थोड़े थोड़े, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें हर जगह पड़ जाती है, क्योंकि वैसे भी अगर हम BSc MSc करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये 11th 12th को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल बेटा। और इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप पढ़ना शुरू करिए, है ना। आपको मतलब अगर आपने मैथ्स को सीख लिया तो आपको किसी भी जॉब की कहीं पर ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतना मतलब जो बच्चे मैथ्स अच्छे से जान जाए ना, वो कभी नौकरी की तलाश तो करते ही नहीं आज तक, है ना। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा नौकरी के लिए, लोग घर पे आके बुलाते रहे कि सर ये चलिए सर पढ़ा दीजिए चल के, है ना। और इस समय समझ लीजिए कि मैं एक तरीके से चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मतलब बंद करके लोगों से कि भैया मैं कहीं पढ़ाऊंगा नहीं, अदरवाइज लोगों को मालूम चल जाए कि ये पढ़ा रहे हैं तो लोग फ़ोन करके इधर उधर पकड़ के ले जाते, चलो सर पढ़ाओ चल के, कहाँ बैठे हो। तो मैं चुपचाप एक तरीके से बैठा हूँ, बस ये सेटिस्फेक्शन मुझे है कि मैं मतलब बहुत से बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ जो घर में अपने बैठे हैं, छोटे शहरों में हैं, गांव में हैं, जहाँ पर कोचिंग उनको अवेलेबल नहीं है, या बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, समझ के पढ़ना चाहते हैं, खासतौर पर ये BSc MSc के सिलेबस में बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई समझाता नहीं है, सब नोट्स बांटते रहते हैं कि देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको कर लोगे तो BSc पास हो जाओगे, तो ऐसा हो जाएगा, ये सब बेटा नहीं चलने वाला, इससे हमारी नॉलेज नहीं बढ़ रही है ना। फिर अब वही है, हम कहते हैं भाई BSc MSc होगा अब हम बेरोजगार हैं, क्योंकि हमने चीज़ों को सीखा ही नहीं, तो बेरोजगार तो होंगे, तुम ऐसे नहीं हो यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है और सीखने की कोशिश भी कर रहे हो, तो टेंशन नहीं पालना, ठीक है ना। तो खैर चलो, तो ये फाइनली देखो हमने
v की वैल्यू बेटा यहां पर निकाल दी, v इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स y y x हो गया, प्लस नया कांस्टेंट c1। तो इसको ऐसा बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन देखो इस टाइप का देखते हैं, जिससे ये चीज हमारी थोड़ा प्रैक्टिस में आए। ये एग्जैक्ट वाला है ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एक्चुअली, और इसको सिंप्लीफाई करने का ये मेथड होता है। ये अपना पार्ट वन में शायद आपने पढ़ा हो, है ना, बीएससी पार्ट वन में डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ते हैं बच्चे जनरली, उसमें ये सब आती हैं चीजें, ठीक है ना। चलिए लिखो जल्दी बच्चों ध्यान से पहले इसको, फिर हम लोग इस टाइप का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये हम लोग और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का ही, इसमें हमें कंजुगेट फंक्शन निकालना है। बोलो देखो क्वेश्चन कुछ तरीके से है, मान लो हमें u की वैल्यू दी गई है x माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर। मान लो बच्चों हमें u की वैल्यू दी गई है और हमसे कहा गया कि फाइंड v इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन। मतलब v निकालना है अगर एफ जेड जो है ये एक एनालिटिक फंक्शन है तब। देखो यहां पर हार्मोनिक फंक्शन की बात नहीं करी, लेकिन इसने डायरेक्ट बता दिया कि फंक्शन जो हमारा है वो एनालिटिक है। बस समझे बच्चों, अगर ये कहता कि प्रूव दैट यू इज हार्मोनिक, तो वहां से भी कंफर्म हो जाता कि भाई फंक्शन कहीं ना कहीं एनालिटिक रहा होगा, ठीक है। देखो क्या फिर वही प्रोसेस बेटा हमें यूज करना है, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हार्मोनिक तो दिखाना ही नहीं है, हार्मोनिक तो मतलब इसने खुद ही कह दिया कि फंक्शन एनालिटिक है, तो हार्मोनिक शो करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर वी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दो, जैसे आपने यू मालूम होता है वी निकाल लिया, तो आप एफ जेड भी निकाल सकते हैं। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी। तो अगर आपको एफ जेड निकालना है तब भी ये मेथड आप लगा सकते हैं, और आपने एफ जेड को निकालने का डायरेक्ट मेथड भी सीखा था, मिलने थॉमसन मेथड, देखो मैंने बताया था आपको, जिसमें अगर आपको यू दिया जाए या खाली वी दिया जाए तब भी आप एफ जेड को निकाल सकते थे। याद है आपको, मैं सिखा चुका हूँ आपको पुराने वीडियोस में, सारा कुछ है बेटा, पढ़ो ध्यान से। देखो फिर वही है क्या बच्चों, कि हमें डी वी निकालना है, तो डी वी बराबर क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। मैंने बताया था ऐसा लिख सकते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक रिजल्ट होता है बेटा, ऐसा हम हमेशा लिख सकते हैं। मैंने ये बताया था क्यों लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई की हमको वैल्यू बेटा ला के रखनी होगी, तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर क्या होता है, बोलो डेल वी बाई डेल वाई होता है, और डेल यू बाई डेल वाई क्या होता है, बोलो माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकाला जाए, तो डेल यू वाई डेल एक्स इसको भी रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वायर भी रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा, तो माइनस का थ्री वाई स्क्वायर बेटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा और इसका तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा फिर हम निकालेंगे बेटा डेल यू वाई डेल वाई, इसी को रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, जब रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को कॉन्स्टेंट मानेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब अगर हम x को कॉन्स्टेंट मानते तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और यहाँ पर भी देखो ये हो जाएगा 3 into 2y, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से हमें ये डेल v बाई डेल x मिल जाएगा, एक तो डेल v बाई डेल x क्या होगा, ये होगा माइनस का डेल u बाई डेल y, तो माइनस का डेल u बाई डेल y की देखो वैल्यू ये है, तो क्या है माइनस का 6xy प्लस का 6y, तो देखो क्या हो गया
सिक्स एक्स वाई माइनस का सिक्स वाई, ये डेल वी बाई डेल एक्स की बच्चों वैल्यू हो गई। अच्छा फिर देखो यहां से हम डेल वी बाई डेल वाई को निकाल लेंगे। डेल वी बाई डेल वाई क्या है, ये डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर है और इसकी वैल्यू ये है। तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, है ना। डेल वी बाई डेल वाई जो है ये डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर, इसकी वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पर ये है। ये रिजल्ट बच्चों देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो डी वी क्या होगा, डेल वी बाई डेल एक्स की देखो वैल्यू यहाँ पर ये है बच्चों, इसको यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स वाई और डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, देखो बच्चों यहाँ पर ये रहा ठीक है। तो थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई, बस समझे बच्चों। बोलो सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स वाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो बच्चों फिर वही इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन वी हो जाएगा और इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा देखो ये वही हो गया क्या, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ये प्रूव कर लें, है ना, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, देखो वही हमें करना होता है, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, एम डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं और एन डी को डी वाई करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं कि भाई इसमें हम वाई को कांस्टेंट मानते हैं और इसमें टर्म विदाउट एक्स लेते हैं। हालांकि एक दो तरीके और भी होते हैं इसे करने के, ठीक है, एक दो तरीके और भी होते हैं, लेकिन आप एक ही तरीका याद रखो इसको सिंप्लीफाई करने का, एग्जैक्ट को करने का, ठीक है। तो ये एम हो गया और ये एन हो गया, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एम को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एन को डी वाई के रिस्पेक्ट में। और एम डी एक्स जब करते हैं तो वाई को मान लेते हैं कॉन्स्टेंट, और यहां जब करते हैं तो लिखते हैं टर्म्स विदाउट एक्स, मतलब वो टर्म लेते हैं जिनमें कि एक्स नहीं आ रहा होता है, ठीक है। देखो अब बच्चों यहां पर हम एम को, एम एम का मतलब ये हो गया, करते हैं देखो इंटीग्रेट, इसको मिटाते हैं यहां पर, स्पेस का बेटा यूज करते हैं सारा, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो बच्चों ध्यान दो, एम डी एक्स तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो एम देखो ये है, इसका मतलब सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स वाई और डी एक्स, है ना भाई, वही है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इधर भी इंटीग्रेशन किया, इधर भी किया, इधर भी किया, तो ये हो गया एम डी एक्स और ये क्या हो गया एन डी वाई, ठीक है। और इधर से क्या मिलेगा, वी मिल जाएगा भाई, इंटीग्रेशन आप डी वी करोगे तो वी ही तो मिलेगा, सोचो वन का रिस्पेक्ट टू वी क्या होगा, वी। और यहां से आपको एम को डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, एन को डी वाई के रिस्पेक्ट में करना, तो यही वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाई को कॉन्स्टेंट लेना है, एन में टर्म विदाउट एक्स लेना है। हालांकि ऐसा तभी कर पाते हैं जब ये एग्जैक्ट, और हमने बताया था सबसे पहले कि इस टाइप की सारी इक्वेशन एग्जैक्ट होती हैं क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन होता है, इसीलिए एफ जेड जो हम यहाँ पर निकाल रहे होते हैं यू प्लस आई वी बेटा, वो एक एनालिटिक फंक्शन होता है, इसलिए ऐसा हमेशा यहाँ पर होता है बच्चों। और इसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने शो कर दिया था। देखो अब y को मानना है कांस्टेंट, इसमें y क्या है कांस्टेंट, तो y अगर कांस्टेंट है देखो 6y बाहर आएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू, और y कांस्टेंट है तो 6y इंटू x, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू x हो जाएगा। यहां पर 6y बाहर, x का x स्क्वायर बाई टू, ये हो गया इंटीग्रल एम डी एक्स। अब देखो इंटीग्रल एम डी वाई करना है और टर्म विदाउट x लेने, देखो ये x है हमारा, ये हमारा n है, देखो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ये, जैसे अभी तक जनरली ये वाला पार्ट जीरो हो जा रहा था, अब देखो नहीं होगा, वो टर्म लेने हैं जिसमें एक्स नहीं आ रहा है, टर्म विदाउट एक्स ना, टर्म विदाउट एक्स। देखो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर और प्लस का वन और माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री माइनस का सिक्स एक्स माइनस थ्री। देखो ये वो टर्म है जिनमें एक्स नहीं आ रहा, तो केवल हम इनको लेंगे, एक्स वाले टर्म को छोड़ देंगे,
तो यहां पर आएगा इंटीग्रल 3 - 3y² और dy, तो वो लेने हैं जिनमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर x का टर्म होगा तो उसको हम लेफ्ट कर देंगे छोटे से, कि मान लो अगर एक टर्म होता 3xy तब भी इसको छोड़ देते क्योंकि इसमें x आ रहा है। ये नहीं कि मल्टीप्लाई में आप जो है वो ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कि खाली y को ले लिया x को नहीं, ना ये पूरा टर्म ही देखना पड़ेगा कि भाई इसमें x आ रहा तो उसको हम नहीं लेंगे, या x अपॉन y आ रहा तब भी इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस में माइनस में अलग अलग हो गए ना, इनमें x आ रहा है और इनमें x नहीं आ रहा, तो यही लेंगे केवल। और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y कॉस्टेंट का 3 × y, और यहाँ देखो 3 आउटसाइड, वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यूब बाई 3 होगा, कैंसिल होगा, तो क्या होगा 3y - y³। तो देखो यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पर ये आ गई बेटा इसकी, इसकी वैल्यू देखो ये हमने लिखी यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3y² - 6xy हो जाएगा। तो इसकी बच्चों वैल्यू आ गई है 3y² और माइनस का 6xy, और देखो इसकी वैल्यू बच्चों आ गई है 3y - y³। देखो यहां से बच्चों हमें v की वैल्यू मिल गई है ना, v की वैल्यू देखो बच्चों यहां से हमको मिल गई है, और यही बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। और हाँ, प्लस इसमें कांस्टेंट c और ऐड कर लो, क्योंकि जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं कभी भी तो वहां पर हमेशा c को ऐड करते हैं, ऐसा ट्रेडिशन चला आ रहा है। और इसकी वजह क्या है, अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो बच्चों खैर इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोगों ने अब ये कंजुगेट फंक्शन को निकालने के मेथड सीख लिया। अब देखो u मालूम है, v मालूम है, तो एफ जेड आप निकाल सकते हैं। एफ जेड क्या होता बच्चों, यू प्लस आई वी। तो जैसे कि अगर आपको कभी एफ जेड निकालना हो तो भी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर वो लिख दे कि भाई मिलने थॉमसन से करो तब तो उसे करना मजबूरी है, और अगर नहीं कहे तो आप ऐसे भी एफ जेड को निकाल सकते हैं, यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और वी की वैल्यू पुट कर दीजिए। और हाँ, कभी वी दिया जाए और यू चाहिए हो तब भी सेम प्रोसेस, यही चीज यू में लगा दो, है ना। जैसे यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ यू, फिर डेल यू बाई डेल एस की वैल्यू वी की हेल्प से निकाल लो, वही अपना कची रेमन इक्वेशन, ठीक है ना। तो कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीखे, इनकी प्रैक्टिस करिए, अब आप बुक के सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए खैर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।